वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये है ब्लूटूथ एयरबड्स। इसके उपयोग से मैं आज बनाने वाला हूँ ब्लूटूथ पुराना होम थिएटर में, जिसमें ब्लूटूथ नहीं रहता है, या फिर जो सिस्टम का जो बड़ा वाला मशीन आता है उसमें जो ब्लूटूथ नहीं रहता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए फिर अपना हेडफोन को भी डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ को मैं खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर मुझे ये बैटरी और ये ब्लूटूथ का कार्ड मिला है, इसके मदद से हम आज ब्लूटूथ बनाएंगे। और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर बोर्ड, और ये आउटपुट के लिए ऑडियो जैक 3.3 mm का, और ये स्विच, इसको पावर सप्लाई देने के लिए स्विच, टॉगल स्विच, और इसको फिक्स करने के लिए एक पीवीसी पाइप लिया है, उसका मैं बॉडी बना बनाऊंगा। ये पीवीसी पाइप का बॉडी बना के रेडी हो चुका है। इसको आप गैस पे या फिर हॉट एयर गन से आप उसको एयर गर्म करके फिर उसको फ्लैट करके बॉडी बना सकते हैं। तो मैं फटाफट इसको जॉइंट कर लेता हूँ और इसको बॉडी इसके इस बॉडी के अंदर फिट कर देता हूँ। ब्लूटूथ मॉड्यूल को बैटरी कनेक्शन को जोड़ दिया मैं। अभी मैं इसको चार्जर बोर्ड से जोड़ देता हूँ। ब्लूटूथ डिवाइस दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया, फिर से ऑन हो गया। अभी इसको मैं ऑडियो जॉक जैक को ज्वाइन कर देता हूँ। दोस्तों इसमें खाली राइट होने की वजह से इसमें दो ही टर्मिनल है, इसमें तीन टर्मिनल, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक कॉमन को देने का है और दूसरा दोनों को मिलकर एक कॉमन देने का है। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। इसमें एक एल लेफ्ट प्लस है और दूसरा कॉमन है, तो आपको ये दोनों को शॉर्ट करना है ताकि दोनों हेडफोन में आवाज़ आए या दोनों स्पीकर में आवाज़ आए, नहीं तो एक ही साइड में जो ज्वाइंट करेगा तो फिर आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाएगा, एक ही साइड में आवाज आएगा। और एक कॉमन वायर इधर कॉमन में देने का। लेफ्ट और राइट टर्मिनल को शॉर्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमारा ब्लूटूथ बन के एकदम रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको फटाफट से जो प्लास्टिक पीयूसी का जो बॉक्स बनाया था उसमें मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको चिपकाने के लिए मैं डबल साइड टेप का उपयोग करूँगा।
दोस्तों हमारा ब्लूटूथ पूरा रेडी हो चुका है। अभी इसके मदद से आप जो एम्पलीफायर आता है बड़ा वाला, इसको जिसमें ब्लूटूथ नहीं रहता है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो पुराना वाला होम थिएटर रहता है जिसमें भी ब्लूटूथ नहीं रहता है, उसको जो ऑक्स केबल आता है, इससे आप भी उसको पुराना जो होम थिएटर रहता है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। और एक कि आप इसको अपने जेब में रख के डायरेक्ट इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके सीधा हेडफोन से गाने भी सुन सकते हो। मतलब एक एक ही इसमें से तीन तीन काम हो जाएंगे, आपको नया ब्लूटूथ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इतना छोटा सा पॉकेट में बन गया, और इसको आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, जिधर चाहिए उधर ले भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के आगे जो घंटा का बटन रहता है वो दबाना मत। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।